हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो जल्दी से कार्ड्स रख रही हूँ आप लोगों के सामने, कोई एक नंबर चुन लो, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है इनकी लाइफ में, क्या है एक्सपेक्टेड इनकी लाइफ में। कार्ड वन, कार्ड टू, कार्ड थ्री। हम लोग जो है डाइस रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है? लेकिन शुरू करने से पहले मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए आगे आपकी डेस्टिनी में क्या एक्सपेक्टेड है। कोई भी एक कार्ड चुनो, जल्दी से मैं बताती हूँ, ठीक है? कार्ड सीधे पकड़े थे मैंने, हाँ शायद सीधे पकड़े थे, ठीक है। कार्ड वन के लिए चुन रही हूँ जल्दी से, अगर चाहिए तो पॉज कर लो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके लिए आने वाले समय में किसी तरीके की क्रिएटिव आइडिया पे आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्रिएटिव आइडिया आपके वर्क प्लेस पे है, ठीक है? काम की लाइफ में आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसी क्रिएटिव आइडिया पे काम कर रहे हैं जिसपे आपको सक्सेस मिलेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लारिफाई करें। मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे आ रही हूँ लेकिन पहले आपकी रीडिंग कर रही हूँ। फोर ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स, यस, आपको वो मिलेगा जिसकी जिसका इंतजार आप काफी टाइम से कर रहे हैं। इस बार आप बहुत लॉजिकल पेश आएंगे, कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी एंड आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर होते हुए नजर आ रहे हैं। ये पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, मोस्टली बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि पास्ट पर्सन एंटर हो रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? ये अपकमिंग इवेंट में बहुत नियर फ्यूचर में, अभी रिसेंट में ही होने वाला है आपके लिए, ठीक है? क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक्सपेक्टेड है बट आप अपने क्रिएटिव आइडिया पे काम करने वाले हैं। आप अपने आप में थोड़े से रहेंगे, टाइम आप निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल, अपने आप में गुम, अपनी दुनिया में गायब, और किसी आइडिया पे, कोई क्रिएटिव आइडिया पे काम करते नजर आ रहे हैं, ठीक है? क्लियर दिख रहा है कि आइडियाज पे सोच रहे हैं कि ये आइडिया कर लूं, वो आइडिया कर लूं, इस तरह की से सोच विचार चल रहा है, ठीक है? और यस, आपकी लाइफ में कोई पर्सन एक्सपेक्टेड है, डेफिनेटली वो नियर फ्यूचर, रिसेंट फ्यूचर में ही आने वाले हैं आपकी लाइफ में, ठीक है? ये आने वाली है, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। पाइल नंबर टू के लिए देख लेते हैं क्या है। टू ऑफ कप्स, क्लारिफाई, टू ऑफ कप्स। पाइल नंबर टू, आप लोगों के लिए यूनियन एक्सपेक्टेड है नियर फ्यूचर में, एकदम नियर फ्यूचर में यूनियन होने वाला है और ये यूनियन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इंतजार आपने बहुत लंबे समय से किया है। ये यूनियन मुझे करीबन, देखो यार, ये तो रीसेंट फ्यूचर की ही एनर्जी मैंने निकाली है लेकिन फिर भी मिनिमम टू डेज बोल रही हूँ, चलो टू डेज निकला है तो अच्छा ही होगा, टू डेज या टू मंथ्स में ये यूनियन होने वाला है आपका, ठीक है? मिनिमम टू मंथ्स, टू डेज, ठीक है, आपका यूनियन होने वाला है। यू विल बी हैप्पी, और इफ आप अपनी लाइफ में यूनियन नहीं चाहते तो आपकी जिंदगी में आप किसी सोलमेट से मिलने वाले हैं, ठीक है? इफ यू आर सिंगल, आपकी लाइफ में आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए नजर आ रही है। लेट्स सी आपके लिए पाइल नंबर थ्री के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लारिफाई करें। द डेविल विद टू ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, फाइनली आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, फाइनली आप अपने लिए फाइट कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी थर्ड पाइल के लिए दिख रही है। आप अपने लिए आवाज उठाएंगे, अपने लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचेंगे, आप प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक आप बहुत लोगों के हिसाब से चले हो बट दिस टाइम आप अपने आप को चुनते हुए खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। दिस टाइम आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, काम पे भी बहुत ध्यान देंगे और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहां पर आप जो है किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर रहे हैं। डेविल की एनर्जी, आपके एडिक्शन को आपने डिटैच किया, यानी कि जो चीज़ें आपको कल तक रोक रही थी कि ये चीज़ आप एक बोलते ना एडिक्शन, आप जैसे किसी की आदत लग जाना, आपको कोई व्यक्ति की या तो आदत थी जिसकी वजह से आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे और दिस टाइम आप कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार कर रहे हो। क्लियरली ऐसी दिखाई दे रही है कि आप अपने एडिक्शन पे काम कर रहे हो, जो आपके बुरे अटैचमेंट्स हैं उस पर काम कर रहे हो और दिस टाइम यू विल बी लाइक कि नो सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगर आप इस तरह व्यवहार करेंगे, मेरे साथ गलत बिहेव करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी या मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, सॉरी आपके लिए रास्ता वहाँ है, आप वहाँ जा सकते हैं। लिटरली ऐसा दिख रहा है कि अगर कोई आपके साथ गलत पेश आ रहा है तो आप उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं। नियर फ्यूचर में आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने तरफ से आप जवाब देंगे कि नहीं सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप अगर मेरी एनर्जी वेस्ट करने आए हैं तो प्लीज़ टाटा बाय बाय कर ले, अगर आप मुझे इज्जत देंगे तो मैं आपको इज्जत दूंगी, अगर आप मुझे प्यार देंगे मैं आपको प्यार दूंगी, इस तरीके का ऊर्जा और एनर्जी या दूंगा, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं आप एनर्जी क्लियरली रिप्रेजेंट करते नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट टू वीक्स में आपके अंदर बहुत परिवर्तन होंगे और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग ऑरा में लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गुस्से पे काबू रखना, ठीक है? गुस्सा, जरूरत से ज्यादा भी गुस्सा अच्छा नहीं, ओके? सो यहाँ पर तीन जो है पाइल्स मैंने चेक कर ली, लेट्स से आपकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है? फिर मैं आपके लिए डाइस रीडिंग शुरू कर रही हूँ। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, उनकी करंट एनर्जी आज की क्या है, उनकी आज की करंट एनर्जी क्या है। दी डेविल, अरे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके मैंने बोला सेम ही आगे लगता है, फोर ऑफ वॉन्स विथ एट ऑफ स्वॉर्ड्स।
करंट एनर्जी में तो आप डेफिनेटली अपने एडिक्शंस पे काम कर रहे हो, आपको किसी तरीके की आदत है अपने पार्टनर की जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, ऑब्सेशन, आप उनको फैंटेसाइज करते हुए भी नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनको फैंटेसाइज कर रहे हैं, यानी कि उनके साथ इंटिमेसी चाहते हैं, आप उनके क्लोज आना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं उनकी यादों से जुड़े हुए हैं, उनसे कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट सा फील कर रहे हैं। इस समय आप क्लियरली ऐसी एनर्जी में हैं जहां पर आप कार्य तो कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रहे हैं, पर आपका पूरा ध्यान अपने पर्सन की तरफ है, आपका अपने पार्टनर की तरफ पूरा ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि वो आपको किसी तरीके का ऑफर दें या किसी तरीके का अप्रोच करें, यानी कि आपको उनसे कोई कमिटमेंट मिल जाए। स्टक एनर्जी में है, एक ही जगह स्टक हो गए हैं, क्लैरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में पर क्लैरिटी नहीं मिली है, अभी तक कंफ्यूजन है आपके अंदर, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी में हैं आप। बट यस, आप अपनी एडिक्शन पे एटलीस्ट काम कर रहे हैं, जो आपकी आदत है उस पर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए आपके पार्टनर के दिल की सच्ची भावनाएं आज की क्या है। कुछ एनर्जी मैंने आप लोगों की सबसे पहले पिक की है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना एटलीस्ट, ठीक है, आइडिया लगेगा, फिर और करूंगी इस तरह से। सडनली ऐसी फीलिंग आई कि आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड कर लूं फटाक से, इसलिए किया मैंने, ठीक है। सो लेट्स सी आपके पार्टनर की दिल की सच्ची भावना आज की क्या है। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, मेष राशि, टॉरस, जेमिनी, कैंसर और उसके अलावा लियो, सिंह राशि, ये तो यार नंबर से हुआ है कंटिन्यू, और उसके अलावा यहाँ पर मीन राशि भी है, कुंभ राशि भी है, ठीक है, ये सारी साइंस ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। ओके, यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरीके की न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं, यहाँ पर न्यू बिगनिंग यूनियन की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, ये व्यक्ति आपसे पैचअप करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो गिले शिकवे हैं वो खत्म हो, इस चीज़ को लेकर उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है बहुत सारी ओवर थिंकिंग, और उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो आपसे पैचअप करना चाहते हैं, आपके साथ वापस से रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये व्यक्ति आपको बहुत लंबे समय से बहुत याद कर रहे थे, क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंपेशेंट भी हैं, इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति है, या तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, जिसके वजह से ये व्यक्ति थोड़े से डेस्परेट हो गए हैं आपको लेकर। इनकी ईगो बहुत ज़्यादा है, इसलिए झुकना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, झुकना डिफिकल्ट है, सेल्फ ऑब्सेस्ड कह सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, और आपके बिना इनके जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये व्यक्ति ऑलरेडी कहीं कनेक्टेड है, या कहीं बात इनकी पक्की हुई है, या कहीं और कमिट कर चुके हैं या कर चुकी हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, और यहाँ पर करेंटली ये व्यक्ति ट्रैवलिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रैवलिंग है अब लेकिन इंपेशेंट है, ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ वहाँ पर, मन कहीं पर भी शांत नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ वहाँ भाग दौड़ होने के बाद भी फिर भी ये कहीं ना कहीं मन को शांत या स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, ओवरथिंकिंग बंद नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं ये आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। पर्सन बहुत प्रैक्टिकल और इगोइस्टिक है, पर जल्दी क्लियरली दिख रहा है कि जल्दी आपको जो है ना कि आपके सामने अपनी गलती मान ले उनमें से नहीं है, बहुत ज़्यादा अभी क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये बोलते ना थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप बात करेंगे नहीं करेंगे, वो वाली एनर्जी है। इनके आसपास मुझे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जी दिख रही है, लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स या कंपटेटिव एनर्जी, हो सकता है इनके दुश्मन इनको परेशान कर रहे हैं, अब दुश्मन इनके काम की प्लेस पे हो सकते हैं, या इनके दोस्त इनके दुश्मन होंगे, या परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, ठीक है, मोस्टली मुझे काम की प्लेस पे ही दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम इनके लिए है दुश्मनों की, जिसमें कंपटेटिव एनर्जी है। अब ये ज़रूरी नहीं कि एक डायरेक्ट अटैक है, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये दुश्मन इनके लिए ऐसे भी हो सकते हैं कि इनको इनडायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, लाइक कोल्ड वॉर, ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे होता है वैसा कुछ है, ठीक है, जिसमें ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस समय आपको लेकर भी मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है, इनको लगता है कि आप जो है उनको समझने में उतने सक्षम नहीं है जितने होने चाहिए, यानी कि आप उनको जल्दी इस बार समझ नहीं पा रहे हैं, लाइक उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक मेजर डिफरेंसेस है, मेजर इश्यूज है, और जो पास्ट में हुआ है, पास्ट में आप लोग दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद और प्रॉब्लम्स हुई हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये डाउट है कि पता नहीं आप उनके साथ एडजस्ट करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे या नहीं, रिलेशनशिप में आना तो वो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप जो है पता नहीं उनके साथ इस रिलेशनशिप में रहने के लिए रेडी होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पर इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर की जरूर दिख रही है, क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर सडनली बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट तो हुए हैं लेकिन पॉजिटिव भी हुए हैं, इन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति है और इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं, सडनली इनका दिमाग जो है इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा काम कर रहा है, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा एक बोलते ना कि खालीपन, एक अजीब सा डर कि यार मैं इसको खो दूंगा या खो दूंगी, फियर ऑफ लॉस इनके ऊपर हावी है। फियर ऑफ लॉस हमारे स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान भी आता है, जब स्पिरिचुअल जर्नी में चांसेस बहुत स्ट्रांग है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी में है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में होते तो अक्सर एक स्टेज आता है जहां पर हम फियर ऑफ लॉस से गुजरते हैं,
ठीक है। फियर ऑफ लॉस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आपके पार्टनर की दिख रही है। फियर ऑफ लॉस का मतलब किसी चीज को खो देने का डर, कोई चीज अपने हाथ से निकल जाने का डर कि भाई ये इंसान चला जाएगा, शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं इसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। एक बार ये सब चला गया तो फिर वापस आना, वापस चीजें करना, ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। इन्हें पता है कि अगर आप चले गए तो आप शायद वापस कभी नहीं लौटेंगे, तो वो वाली एनर्जी इन्हें फील होना शुरू हुई है। डर कहो, सपना कहो या किसी तरीके के साइन कहो, एक अजीब सी बेचैनी आपके पार्टनर के अंदर शुरू हो चुकी है। मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, अभी भी डिफरेंसेस हैं जो प्रॉपर हील नहीं हुए हैं। यहाँ पर मुझे प्रॉपर यूनियन ऐसा नहीं दिख रहा है कि प्रॉपर आप भी और ये भी दोनों एक दूसरे को जो है अब समझते हैं, नहीं। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि अभी भी आप लोग दोनों में कुछ तरीके की मेजर गैप है, लेकिन इनकी एंट्री सडन आपकी लाइफ में वापस से हो सकती है, क्योंकि ये बहुत सडनली आपके लिए एंटर होते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे आपने होप छोड़ी है वहीं पे ये अचानक से आपके लिए एंटर करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति के इमोशंस पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं आपको लेकर। ऐसे ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, बट ये पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। इमोशनल से मेरा मतलब ये है कि ये सडनली बहुत ज्यादा खुद को बंधा हुआ और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको इस बात पे रोना आ रहा है कि ये इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये किसी ऐसी परिस्थिति में स्टक है जहां पर ये चाहकर भी आपको चुन नहीं पा रहे। चुनना आपको चाहते हैं, लेकिन दो के बीच में कहीं ना कहीं ऐसी जगह आकर अटके हैं या अटकी हैं जहाँ पे आपके लिए उनको निर्णय लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। उन्हें लग रहा है कि आपके लिए भी निर्णय लेना नामुमकिन है, वहां पर भी कुछ चीजें छोड़ पाना नामुमकिन है। क्लियरली वो एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर वो अपने आप को बहुत ही घुटा हुआ, अकेला सा और एक ऐसा कमजोर व्यक्ति मानते हैं जिसमें उनको लग रहा है कि वो चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। ऐसा लग रहा है मानो जैसे एक व्यक्ति बीच में सेंटर में खड़ा है, उसे दो लोग खींच रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। और उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन वो किसी के भी एक की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन डेफिनेटली ये व्यक्ति कहीं स्टक सिचुएशन में अटके हुए हैं जिसके वजह से ये निर्णय नहीं ले पा रहे। निर्णय की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है इनकी मजबूरी, लाचारी को। लिटरली लग रहा है कि ये नहीं कर पा रहे कुछ भी, बट ये आपके साथ एक ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सही शारीरिक रूप से भी नहीं सही, या आप कहो कि फिजिकली नहीं, भले कुछ भी मतलब इनको ना मिले, बट स्टिल ये आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भले आप इनसे ना मिले, भले आपके आपके इनके कनेक्शन ना हो, ना संबंध ना बने, लेकिन आप इनके दोस्त बनकर रहें, क्योंकि ये आपको खोने से बहुत डरते हैं और इनको इसी बात से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। डर लग रहा है कि शायद अब आप इनके हाथ से पूरी तरह निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है पिछले कुछ टाइम से इनकी थर्ड आई एक्टिव हो गई है, जिसका मतलब ये कह सकते हैं कि बार बार इनको इंट्यूशन आ रही है, बार बार इनको कोई सपना आ रहा है जिसमें आप इन्हें जाते हुए दिखते हैं, बार बार इनको किसी और के साथ नजर आते हैं या जाते हुए दिख रहे हैं, जिसके वजह से ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए हैं। एंजाइटी लेवल कह सकते हैं बढ़ गई है, या तबीयत इनकी अचानक से बहुत ख़राब हुई है। यहाँ पर बच्चों वाली एनर्जी दिख रही है, तो ये कहीं ना कहीं खुद को एक बच्चे वाली एनर्जी में ले आए हैं, जहाँ पर ये कुछ चीज़ ना मिलने के लिए, कुछ चीज़ नहीं मिलती है तो कैसे दुख होता है कि नहीं मिला। छोटे से बच्चे को वैसा हाल है, एक बच्चे वाली तकलीफ है, जो पेन है, जो ये आपको बता भी नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षित हो गए हैं, अट्रैक्ट बहुत हो गए हैं। इस वक्त इनकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चाहते कि अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी करें, इनके दिमाग पे, इनके सर पे ये चीज़ हावी हो जाए और ये कोई ऐसा स्टेप ले जिसके लिए इनको बाद में तकलीफ हो। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिसके लिए बाद में इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े और कुछ ऐसा हो जाए जिसके लिए बाद में ये जिम्मेदारी ना उठा पाए। इनको इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई ऐसा वादा दे दें जो इसे निभाना जिसे वो निभा ना सके, और कहीं वो कहीं और का बोलते ना किसी और के लिए कोई एक्शन ना ले ले जो बाद में इनको रिग्रेट हो जाए। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये व्यक्ति कोई फैसला लेने से डर रहे हैं। इन्हें लग रहा है अगर इन्होंने कोई फैसला ले लिया तो आसपास के कुछ लोग हर्ट हो सकते हैं इनकी वजह से, तो ये उस चीज़ से डर रहे हैं कि मैं कहीं कुछ इमोशनल होकर ना कर लूँ, इसलिए इमोशन को बहुत कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्थ का तो डेफिनेटली इनको प्रॉब्लम है ही, ठीक है, हेल्थ का एक प्रॉब्लम डेफिनेटली मुझे दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा अपने कर्मा से डरते हुए नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति इस वक्त अपने कर्मा को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फेस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ घटनाएं एक के बाद एक इनके साथ हो रही है जिसके वजह से इनको डर है कि इनकी लाइफ अब स्टेबल नहीं हो पाएगी, और कहीं ना कहीं इस तरीके के स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इन्हें सबसे पहले आप ही का ध्यान आ रहा है। यहाँ पर एनर्जी जो रिप्रेजेंट हुई है ये कहीं ना कहीं किसी तरीके की डिले को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें डिले हो रही हैं, यानी कि जो भी कार्य पर ये हाथ डाल रहे हैं वो कार्य बहुत डिले हो रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है पिछले कुछ दिनों में, हेल्थ खराब हो रही है, कहीं ना कहीं आलस भी बहुत आ रहा है, एंजाइटी कह लो या डिप्रेशन कह लो, अजीब सा खालीपन इनको बहुत परेशान कर रहा है। और ऐसे में ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ दौड़ते हुए, आपकी तरफ
देखते हुए नजर आ रहे हैं, उस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। इस व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं आप इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव पर्सन की तरह बन चुके हो। ये इस वक्त आपको बहुत ही आकर्षण की नजर से देख रहे हैं, जहां पर उनको लग रहा है कि आपसे सुंदर कोई व्यक्ति हो नहीं सकता और आप इनकी लाइफ में एक लॉटरी लगने जैसे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो आपसे कनेक्टेड है। ये कहीं ना कहीं इसलिए भी आपको लॉटरी के जैसे देखते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि जब तक चीजें आपके साथ थी, लाइक इनका रिश्ता आपके साथ था, इनके पास बहुत सारा धन पैसा और लाइफ इनकी स्टेबल थी। लेकिन अब इनकी लाइफ स्टेबल नहीं है तो इन्हें लग रहा है इनके साथ कर्मा का हिसाब हो रहा है, यानी कि आपका दिल दुखाने की वजह से आज ये भी अपना प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इनका भी परिणाम बहुत बुरा हुआ है, कहीं ना कहीं अपने कर्मा से डर रहे हैं, इसलिए इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल तो दुखाया है और आपको चोट पहुंचाई है। और एक तरीके का फियर ऑफ लॉस आपके आपके चले जाने का, और आपके चले जाने से इनका और सारा कुछ चले जाने का और डर इनको सता रहा है। क्योंकि अगर आप चले गए तो ये पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा इनके थॉट्स में चल रहा है। इनको लग रहा है ये पूरी तरह कम्प्लीटली डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में इनका साम्राज्य कहीं ना कहीं आपसे बना हुआ है। आपसे इनको फाइनेंशियल या तो हेल्प मिली है, या आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बरकत हुई है, पैसों की बहुत सारा लक कहीं ना कहीं आपने लाया है। और इन्हें लग रहा है कि अगर आप हमेशा के लिए चले गए तो वो लक ये जनरेट नहीं कर पाएंगे। और इनकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है जब से आप दूर गए हैं, कहीं आपके पूरी तरह जाने से सब कुछ बेड़ा गरना हो जाए, सत्यानाश ना हो जाए। क्लियरली इस एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कोई सडन एक्शन जरूर लेंगे। यहाँ पर सडन एक्शन अचानक से आपके सामने रिप्रेजेंट करते हुए खुद को नजर आ रहे हैं। और करंट एनर्जी में अगर मैं कहूँ तो ये व्यक्ति पुरानी हर बात को याद कर रहे हैं जो आपके साथ बीती है, और आपके दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट जो रहा है उसे ये ज्यादा याद कर रहे हैं। ये रोमांटिक मोमेंट फिजिकल मोमेंट नहीं है, ये कोई ऐसा मोमेंट है जिसमें आप इनकी केयर कर रहे हो और ये बीमार है, आप इनको संभाल रहे हो, केयर कर रहे हो, वो तरीके की एनर्जी को ये ज्यादा याद कर रहे हैं कि जब ये तकलीफ में थे या बीमार थे या इनकी इमोशनल डैमेज चल रही थी, जब इमोशनली लो फील कर रहे थे तब आपने इनको कैसे संभाला, तो वो सारी चीजें इन्हें याद आ रही हैं। क्लियरली वो एनर्जी में ये है। ठीक है, अब लास्टली हम लोग जो है गाइडेंस देख लेते हैं आपके पार्टनर का। यूनिवर्स मुझे गाइडेंस दे मेरे व्यूवर्स के लिए। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। आप अपने लिए स्टैंड स्ट्रॉन्ग करके रखो, यानी कि मतलब अभी जो आप एनर्जी में आ गए हो, जो अपने लिए फाइट कर रहे हो, अपने लिए लड़ रहे हो, या आप अपने आप को चुन रहे हो, वैसे ही बने रहो। इस वक्त फोकस आपका अपने लाइफ पर्पस पे होना चाहिए, आपके जीवन के उद्देश्य पे आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए, उस पर फोकस करो और अपने आप पे फोकस करो और किसी चीज पे ध्यान मत दो। इस समय आपका ध्यान आपके पार्टनर पे नहीं होना चाहिए, किसी पे भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे होना चाहिए। बिकॉज जल्दी ही आपको आपको इसी तरीके से इसी रास्ते चलकर सफलता मिलेगी। लेट्स सी, humanity and benevolence, stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world। अपनी लाइफ में ना अच्छाई भी देखना शुरू कर दो, हमेशा सब बुरा नहीं होता है। अपने आसपास ना बहुत बुराई देखना शुरू कर दिया है, आपको लगता है हर इंसान बहुत बुरा होता है, हर इंसान ऐसा ही होता है, हर इंसान बहुत नेगेटिव होता है। लोगों में प्यार देखना आपने बंद कर दिया है, अपने अंदर भी प्यार की कमी का एहसास कर रहे हो, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। आपको अपने अंदर और आसपास बहुत ज़्यादा प्यार देखना होगा, ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होता है। देखो यार, मैंने ना आज एक मूवी देखी और मैं ये मूवी ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। आप में से जितने लोगों के लिए पॉसिबल है वो मूवी ज़रूर देखना, विदाउट फेल देना, आप इसको एज ए गाइडेंस समझ लो। ये मूवी का नाम है करीब करीब सिंगल। इस मूवी को मैंने देखा, मैंने शायद बहुत पहले भी देखा था पर मुझे पता नहीं कि पसंद नहीं आई, बहुत साल पहले की बात है जब मैंने देखा था तो मुझे पसंद नहीं आई। इत्तेफाक से इस बार मेरे सामने आई तो पता नहीं मैंने क्यों चला दी और मैंने देख ली। मैं मूवीज़ ज़्यादा देखती नहीं हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है कि मैं टीवी देख सकूँ, तो मैं मूवी देख रही थी तो मुझे पर्सनली बहुत मूवी पसंद आई, पता नहीं क्यों उस टाइम मुझे पसंद नहीं आई, आज मुझे पसंद आई। तो उससे ना मैंने एक लेसन लिया जो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें मैंने एक लेसन लिया कि आपकी लाइफ में कितने सारे लोग जो हैं, अब ये बहुत डीप लेसन है, शायद काफ़ी कम लोगों ने नोटिस किया हो। उसमें लिटरली दिखाया कि वो हीरो के लिए तीन गर्लफ्रेंड्स है, तीनों गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो उसका डीपर थॉट ऐसा दिखाया गया कि कहीं ना कहीं वो तीनों लड़कियां अपनी अपनी ज़िंदगी में सेटल्ड हैं, अपनी लाइफ में अच्छी ग्रो कर रही हैं। एक जो है मैरिड होकर अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल हो गई, अपनी फैमिली बनाकर चल रही है। दूसरी जो है एक रिच फैमिली में उसकी मैरिज हो गई। थर्ड जो है वो एक अच्छी डांसर बन गई। तो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि हीरो जो है बहुत ज़्यादा खुश है तीनों की तरक्की को देखकर, ऐसे लाइक काइंड ऑफ दिखाया कि डीप लव रहा, बट
कहीं ना कहीं उनको देखकर वो चले जाते हैं और उसकी लाइफ में अब एक कंपैटिबल पार्टनर आ जाता है। सिमिलरली हीरोइन की भी कहानी ऐसी दिखाई कि उनके जो हस्बैंड है वो गुजर जाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, बट अभी वो फाइनली वो मूव ऑन कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और कैसे उन्होंने चीज़ों को ब्यूटिफुली देखना शुरू किया और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये कहीं ना कहीं एंड में महसूस हो रहा था कि यार डेफिनेटली रिलेशनशिप्स हैं, आते हैं जाते हैं, अपनी लाइफ में कोई रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि परमानेंट रहे। वो कहीं ना कहीं एक बड़ा लेसन था कि हमारी लाइफ में कोई रिलेशनशिप जरूरी नहीं कि परमानेंट रहे, कुछ रिलेशनशिप्स छूटने होते हैं जो हमारे अच्छे के लिए, जिसके वजह से हम एंड में अपने कंपैटिबल पार्टनर से मिलते हैं। हमारी लाइफ में अगर कोई छूट रहा है तो उसे हमें जाने देना चाहिए, अगर वो हमारा है तो वो टिक कर चलेगा, अगर वो हमारा नहीं चाहे हम कितनी भी कोशिश करें मजबूती से उसे पकड़ कर चले, वो इंसान हमारे साथ नहीं रहेगा। ये हमारी जिद है जो उन्हें रोक कर रखती है हमारे साथ, अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो हमें एहसास होगा कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, टाइम लगता है, मे बी साल, दो साल, मे बी तीन साल टाइम लगता है, एक टाइम बाद आपकी जिंदगी में वो कंपैटिबल पार्टनर आ ही जाता है जो आप जिनको डिजर्व करते हैं, जिन्हें लाइक जिन्हें सम्मान देना आता है, प्यार देना आता है, जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे, जो आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, आपको अपना प्यार साबित करेंगे, जो आपको प्रूफ करेंगे कि वो आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। और ये चीज़ भी मैंने कहीं ना कहीं उसी मूवी में देखी और सीखी कि लव इज़ अ स्लो प्रोसेस। उसमें कहीं ना कहीं दिखाया गया है कि लव को पाने के लिए शी वॉज सो डेस्परेट, उसको चाहिए था तुरंत कि कोई उसको मिल जाए, बट सम हाउ इट्स अ स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे जानकर उसने रियलाइज़ किया कि बाप रे ये कितना प्यारा पर्सन है, जिसको वो शुरू में जब देख रही है तो इरिटेट हो रही है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हो रहा है कि यार ही इज़ सो स्वीट। तो कहीं ना कहीं उस मूवी से ना मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले और मैं मोस्टली मूवीज़ तभी देखती हूँ जब मुझे कोई मैसेज मिलता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोगों को वो मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, वो आपके फेस पे स्माइल ज़रूर लाएगी, शायद रुलाएगी भी, लेकिन वो एक ब्यूटीफुल मूवी है। आई मिस दैट, बोलते ना कि मुझे बहुत अपने तरफ से ना, मैं सबसे ज़्यादा दुखी तब हो रही थी जब मैं इरफान सर को जो है देख रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये क्यों चले गए, यार ही इज़ दी बेस्ट, यार ये क्यों चले गए। तो इनके जाने का दुख बहुत है, लेकिन बहुत ही प्यारी मूवी है, ज़रूर देखना। और मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, उस मूवी से मुझे कुछ नहीं मिलना, बट इट्स जस्ट कि मैं कुछ अच्छा देखती हूँ तो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर देती हूँ कि आप लोगों को देखना चाहिए वो मूवी, आप लोग ज़रूर देखें। आप पुरुष है स्त्री है, दोनों सूरतों में वो मूवी आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल मूवी साबित होगी। बस एक शर्त है कि वो मूवी जो है फ़ोन को साइड में रख कर ही देखना, फोन साइड रख के एकदम ध्यान से देखना, यू विल लव दैट मूवी। मैं लिटरली फ़ोन साइड में रख के फुल मी टाइम लेकर बैठी थी और फुल एकदम अपनी शेक वेक, बोलते ना शेक्स बनाकर ऐसे बैठ गई थी और एकदम ध्यान से वो पिक्चर देख रही थी। आई विल मतलब मैं इंजॉय कर रही थी उस प्रोसेस को। यू मस्ट वॉच दिस मूवी, आपको भी पसंद आएगी, ठीक है। सो दिस इज़ इट आप लोगों के लिए, एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस मैंने एक मूवी के तौर पर दे दिया, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर जिन लोगों ने मूवी देख रखी है पहले से, क्योंकि इट्स अ ओल्ड मूवी, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, मैंने देखी थी, बहुत ओल्ड मूवी है, साल 2017 में आई थी ये मूवी, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने देख रखी है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि उसमें से आपको क्या मैसेजेस मिले, आपको क्या उसमें से गाइडेंस लगी, और क्या आपने आज फिर दोबारा वो मूवी देखी मेरे कहने के बाद, आपको कैसा फील हुआ, एक्सपीरियंस कैसा था, सब मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर किया करें। बहुत से लोगों की हीलिंग हो सकती है, शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी स्टोरी पर लगा लिया करो, अपने स्टेटस पर लगाओ, ताकि जिन लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है वो खुद आकर वीडियो देखे और अपने आप को हील कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ये एक अच्छा काम है जिसमें काफ़ी लोगों को हीलिंग मिल रही है, तो आपको बांटनी चाहिए, ठीक है। शेयर करने का मतलब वीडियो की लिंक अटैच करना, वीडियो को कॉपी मत कर देना, बहुत से लोग अगर स्कैम कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट डू इट, क्योंकि ये गलत चीज़ है, आप लोग को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप लोग अच्छे घर के होंगे, डेफिनेटली ये सब चीज़ें नहीं किया करो, स्कैम मैम। मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान को ऐसा करना चाहिए कि किसी की वीडियो कॉपी करके यहाँ वहाँ पोस्ट करे, पता तो चल जाता है बिकॉज सारे लिंक्स जुड़े होते हैं सोशल मीडिया के, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे फेसबुक या इंस्टा पे, आइडिया लग जाता है कि कोई भी ऐसा करता है तो तुरंत जो है उनके चैनल पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो डोंट डू दैट। बाकी हाँ, लिंक जो है कॉपी करके आप अपने स्टेटस लगाए, ताकि जितने लोग अगर हीलिंग चाहते हैं, जिनको देखने में इंटरेस्ट है, वो देख सकते हैं, अपनी हीलिंग प्रोवाइड होती है, अगर पॉजिटिव फील होता है तो व्हाई नॉट, है ना। और उसके अलावा यस, आपको और कोई अन्य जानकारी चाहिए, चाहे वो ब्रेसलेट रिलेटेड है या आपको मेरे चैनल्स के रिलेटेड चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और स्क्रीन पे अवेलेबल, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूं, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।